नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। एलएसी पर घिरने के बाद चालबाज चीन का युद्ध राग बैकफायर कर गया। भारत के रुख का पूरी दुनिया ने समर्थन किया है और इस बीच ताइवान ने चीन पर निशाना साधा। ताइवान के विदेश मंत्री ने आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि भारत ने चीन को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया है। आपको बता दें कि अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जंग का उन्माद पैदा किया और सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। लेकिन आज तक के साथ बातचीत में ताइवान के मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत ने चीन को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। ताइवान के विदेश मंत्री ने आज तक से बातचीत की और इसी बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। दूसरी तरफ शी जिनपिंग अपने सैनिकों से जाकर कह रहे हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार रहे। पिछले 6 महीने से भारत और चीन की फौजें आंखों में आंखें डालकर खड़ी हैं। 7 बार भारत और चीन के बीच बातचीत हो चुकी है, कोर कमांडर स्तर की बातचीत रही है, लेकिन इसके बावजूद चीन पीछे नहीं हटा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक और भड़काऊ और उकसाऊ बयान देकर संबंधों में और खटास घोलने का काम किया है। जिनपिंग अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। चीन ने अपनी सेना का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है, लेकिन वो शायद चंद महीने पहले लद्दाख के गलवान में भारत की दी चोटों को भूल गया। चीन भूल गया कि भारत भी पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार ने सेना को हर हालत से निपटने के लिए खुली छूट दे रखी है।